हमारे यमों के साथ सुतेला व्यवहार क्यों होता है, हमारे यमों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, और आओ खामोशी से चुप करके उसको देखते रहते हैं। तो जम्मू के लोगों ने कौन सा लोगों को कौड़ा पानी पिलाया है? जाओ श्रीनगर वाले मीठा पानी पिलाते हैं। चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए, और लोगों को पानी पिलाने वाले, गेंती चलाने वाले, 30 वर्ष देने वाले आज डेली वेजर्स 2 बक्ती की रोटी के लिए महरूम हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो कार्यकर्ता बैठे हैं, क्यों ब्योरी बिस्तरे लेकर वो लोग सोए? क्या करना है, घर वाली कपड़े सीती थी, स्कूल में रोटी छोटी बनाती थी, बच्चे 10वीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाए, तो मजदूरी कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सब के आगे, सब के आगे, मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी, मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, सटक अफसरशाही, 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 देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारी पे अभी दो, हमारी पे अभी दो, हमारी बहनों 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 पे अभी दो, हमारी मांगे हरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रियासी ब्लॉक यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, रियासी ब्लॉक यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, रियासी ब्लॉक यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, हमारी बकाया पे हरी दो, 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 अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, जोर गुजारी नहीं चलेगी, जोर गुजारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जोर बजारी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पगाया पे हरी दो, हमारी पेंडिंग पे हरी दो, हमारी पेंडिंग पे हरी दो, हमारी पेंडिंग पे हरी दो, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, अभी दुनिया भिड़ाई है, आगे लोग लड़ाई है, अभी दुनिया भिड़ाई है, आगे लोग लड़ाई है, अभी दुनिया भिड़ाई है, आगे लोग लड़ाई। डीडीसी इलेक्शंस के बाद पीएचई के डेली वेजर एक बार फिर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। इस समय हम पीएचई डिवीजन कार्यालय रियासी में खड़े हैं और मेरे पीछे ये तमाम डेली वेजर्स खड़े हैं। इसमें जो इनकी यूनियन है उनमें जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी शामिल हैं, वो भी डेली वेजर्स के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चुनावों से पहले इनसे कुछ वादे भी किए गए थे, इसके मद्देनज़र ये अपनी मांगों को एक बार फिर उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। इस समय हमारे साथ डेली वेजर के नेता दविंदर सिंह जी मौजूद हैं। दविंदर जी, काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम आपको कवर कर रहे हैं। पहले लगातार प्रदर्शन होते थे, हड़ताल भी काफ़ी देर तक आपने की, क्या वादे आपसे प्रशासन या सरकारों ने किए थे और क्या वो अब पूरे नहीं होते दिख रहे हैं? रियासी अपडेट्स का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने पिछले दिनों में स्ट्राइक काम शुरू हड़ताल की थी और 48 दिनों के बाद में जो हमारी जम्मू प्रोविजनल की टीम ने एक सिन्हा साहब जी के साथ टेबल टॉक हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि 26 दिसंबर तक जो हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी का मुद्दा है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट का मुद्दा है, जो 12 वाउचर का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर सरकार गंभीरता के साथ काम करेगी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। हम आपको कहना चाहते हैं कि डीडीसी का चुनाव हुआ, आपने डीडीसी के चुनाव की बात की है, डीडीसी के चुनाव में हमारे डेली वेजर्स, हमारे परमानेंट साथियों ने पूरे तनमन तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में बर्फीले तूफानों में, ठंडी हवाओं में, गर्मीले स्थानों में जाकर पानी पिलाया, पूरी व्यवस्था को पूरे अच्छे तरीके से चलाया। बड़े खेद के साथ कह रहा हूं कि रियासी डिवीजन और चीफ इंजीनियर जम्मू जो हमारे भट्ट साहब बैठे हैं, उन्होंने 24 दिन का वेतन दिया सितंबर माह का, बाकी डिवीजनों ने लिया। जम्मू वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ले लिया, लेकिन रियासी डिवीजन के जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड वर्क काम करते हैं, उन्होंने 24 दिन का वेतन लेने से इनकार कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं कि हमने कौन सी कोताही की थी। हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे थे और चीफ इंजीनियर ने हमारा 6 दिन का वेतन काट दिया, 24 दिन का वेतन। ये कौन सी सरकार है, 30 दिन का वेतन आता है, 31 दिन का वेतन आता है, 28 दिन का वेतन आता है, 29 दिन का वेतन आता है, 26 दिन का कौन सा महीना होता है? हम पूछना चाहते हैं पीएचई एक्शन रियासी से, हम पूछना चाहते हैं डीसी साहिबा रियासी से। हमने डीसी साहिबा रियासी से कई बार निवेदन किया, कई बार आग्रह किया, डीसी मैम इसके ऊपर
पर आप गंभीरता से बात करें। अब इसके बारे में निर्णय बात की गई तो उन्होंने कहा कि डिवीजनों को पहले से कुछ ज्यादा पैसे दिए गए हैं, डिवीजनों को कुछ ज्यादा पैसे दिए गए हैं। डिवीजन धर्माड़ी ने पूरे 30 दिन का वेतन दिया हमारे साथ में लगता है, उधमपुर वाले 30 दिन का वेतन दे रहा है, रियासी डिवीजन वाला एक्सिन साहब हमारे सिर्फ रियासी में 24 दिन 24 दिन का वेतन कह रहे हैं कि हम 24 दिन का वेतन देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि 24 दिन का वेतन तो सितंबर माह का था, अक्टूबर माह, नवंबर माह, दिसंबर माह, आज 7 जनवरी हो गई, सरकार कहां पर सोई हुई है? चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए और लोगों को पानी पिलाने वाले, गेंती चलाने वाले, 30 वर्ष देने वाले आज डेली वेजर्स 2 वक्त की रोटी के लिए महरूम हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो कार्यकर्ता बैठे हैं, क्यों ब्योरी बिस्तरे लेकर वो लोग सोए हैं? हम पूछना चाहते हैं, जागो, सवेरा हुआ है, वतन के शहीदों का फेरा हुआ है। ये हमारे साथ जशपाल जी हैं, 1988 से काम कर रहे हैं पीएचई के अंदर, कौन सा गुनाह किया था हमने? आज हमारा बेसिस का मसला है, हमारी तनख्वाह का मसला है, हीटर का मसला है, कोजला का मसला है, सर्दियां हैं, ठिठुरती कांपती सर्दियों में हमारा डेली वेजर्स हर चीज़ से, हर सुविधा से असुविधाजनक महसूस कर रहा है। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मुझे दायित्व दिया गया है, देवेंद्र सिंह को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का बनाया गया है। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम ना कभी झुके हैं, ना कभी रुकेंगे और ना कभी झुकेंगे अपने डेली वेजरों के लिए। ये हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारा आग्रह है। डीसी रियासी इसके ऊपर संजीदगी के साथ काम करे। आपने देखा होगा सरकारों ने झूठे आश्वासन दिए या अफसरों ने हमें लॉलीपॉप दिया। हम पूछना चाहते हैं ये लोग क्या चाहते हैं? अफसरों ने लॉलीपॉप दिया, झूठे आश्वासन दिए, ये इनका कहना था। जब हड़ताल पे आप गए थे पहले डीडीसी इलेक्शन के पहले, तो क्या आश्वासन आपको मिले थे और अब सरकार उस पर सरकार का क्या रुख देखते हैं आप? देखिए, जब हमारी स्ट्राइक डेली वेजर जो स्ट्राइक थी जब ख़त्म हुई जम्मू के अंदर, हमारी गवर्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मुझे अभी कोड ऑफ कनेक्ट लगा हुआ है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके मसले हल कर लूँगा। और उन्होंने 15 जनवरी तक डेली वेजरों को टाइम दिया था और डेली वेजरों के साथ बात हुई थी कि 15 जनवरी तक का टाइम जो है, डेली वेजरों ने कहा कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लेना, आप जल्दी से जल्दी जो मसले हैं बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत लंबे हैं, आप जल्दी हल करना। तो गवर्नर साहब ने 15 जनवरी का टाइम जो है वो डेली वेजरों से लिया था कि 15 जनवरी से पहले मैं आपके जो मसले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, और दूसरा नंबर जो परमानेंट पॉलिसी, तीसरा नंबर जो है जो हमारा डेली वेजर हमारे यहाँ काम करते हैं उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर और लोग लगा, उसकी फैमिली का जो आदमी लगाना है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम उसके लिए भी आपका जो है बात करेंगे। और तीसरा नंबर जो हमारी जो पेंडिंग सैलरी है जो डेली वेजर की 50 से 60 महीने की, इसके भी गवर्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ये भी आपकी पेंडिंग सैलरी है जो है ये भी हम आपकी 2 किस्तों में या 3 किस्तों में आप सारी जो 60 महीने की है ये हम आपको दे देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि गवर्नर साहब को मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब जी आप अपने वादे भूल मत जाना। पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जो है डेली वेजर के साथ जो है परमानेंट करने के वायदे किए थे, आज तक किसी ने वायदा पूरा नहीं किया और सभी ने जो है हमारे साथ झूठे वायदे किए और सब ने झूठ बोला। और मैं गवर्नर साहब से अपील करके कहता हूं कि आपने जो वादा किया है डेली वेजरों के साथ 15 जनवरी से पहले पहले रेगुलेशन करने का, वो वादा आप पूरा करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने सुना है, सुनानी ये बात पक्की है कि श्रीनगर के अंदर कुछ लोग जो है वो इन्होंने 1994 के बाद के लगे हुए लोग जो है वो रेगुलर किए हैं पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन हमारे जम्मू के अंदर कोई भी इन्होंने जो है 1994 के बाद का लगा हुआ एक भी डेली वेजर पक्का नहीं किया। तो मैं अपने जम्मू के जो लीडर हमारे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे जम्मू के साथ सुतेला व्यवहार क्यों होता है, हमारे जम्मू के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है और आओ खामोशी से चुप करके उसको देखते रहते हैं। सिन्नर के अंदर भी हमारे भाई हैं जो अगर उनको पक्का किया तो जम्मू के लोगों ने कौन सा लोगों को कौड़ा पानी पिलाया है? जो सिन्नर वाले मीठा पानी पिलाते हैं तो हमने जो है वो कौड़बा पानी नहीं किसी को पिलाया, हमारा डेली वेजर क्यों नहीं पक्का किया? जैसे कि जम्मू सिन्नर के अंदर उन्होंने लोग पक्के किए हैं, हमारे जम्मू के अंदर भी इन्होंने लोग पक्के करने चाहिए थे, क्योंकि जम्मू के साथ सुतेला व्यवहार हमेशा होता रहा और हमारी लीडरशिप जो है वो खामोशी से देखती रही। जी जी जी, शुक्रिया। 15 जनवरी इन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है, तो क्या आपको उम्मीदें हैं? क्योंकि इन्होंने बताया कि 1988 से आप पीएचई के डेली वेजर के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कि इस बार जो वादा हुआ है वो पूरा होगा? हमारे एमएलए और मिनिस्टर एमपी हमारे लिए उम्मीदें लेके आते थे,
हम लोग वोट डालते थे और उनकी उम्मीदों को हम पूरा करते थे। अभी हमारी उम्मीद उनके ऊपर ही है कि जो MLA MP या हमारे उम्मीदवार थे तो वो उम्मीद करके हमारे पास आए, हमने उनकी उम्मीदें पूरी की और हमारी उम्मीदों के लिए भी वही लोग काम करेंगे। उम्मीद तो, है क्योंकि जैसा कि पहले हम देखते आए हैं कि इनका कहना था कि वादे कई बार होते थे लेकिन पूरे नहीं होते थे, अब क्या उम्मीद देखते हैं आपकी होगा या? हमें अपने बलबूते पर उम्मीद है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर तो मर मिट जाएंगे। अब कितने साल आपकी नौकरी बची हुई? मेरे 2 साल बाकी हैं, अभी अपना 19 जनवरी को मैं 58 साल का पूरा हो जाऊंगा। तो किस तरह से घर का पालन पोषण करते हैं आप, कुछ और काम भी करते हैं? घर का पालन पोषण भगवान की दया से क्या करना है, घर वाली कपड़े सीती थी, स्कूल में रोटी छोटी बनाती थी, बच्चे 10वीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाए तो मजदूरी कर रहा है तो घर का गुजारा, एक गाय भी है वो भी दूध देती है, 1 किलो दूध बेच देते हैं, एक खा लेते हैं। तो इतने साल आपने यहाँ पे डेली वेजर के तौर पर नौकरी की, तो कभी ऐसा भी लगता होगा कि नौकरी छोड़ देते हैं, पक्के नहीं होंगे, या यही उम्मीद रही कि एक दिन हमें रेगुलाइज किया जाएगा और नौकरी पे आप बने रहे? क्या रेगुलाइज की उम्मीद पर ही ये नौकरी करते रहे आप? हाँ जी, मैं अपने उम्मीद पर ही, क्योंकि J&K गवर्नमेंट की नौकरी है, किसी के घर की बकरियाँ नहीं चरा रहा था या किसी के गधे नहीं चरा रहा था, तो मैं इसीलिए अपने J&K गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए मेरे को अभी 32वां साल चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि हर बार जो भ्रष्ट सरकार नहीं होगी, कभी अच्छी सरकार भी आएगी, कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा आएगा जो हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, तो 15 जनवरी तक का इनके अनुसार समय मांगा गया था, अभी 15 जनवरी भी करीब है, अब देखना ये होगा कि जो भी इनके तमाम जो मांगे थी क्या वो सरकार पूरी करती है या पहले की तरह इन्हें धोखा ही मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।